नमस्कार। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट आया है रिगार्डिंग एनएमसी अंडरग्रेड मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, जिसमें चेंजेस किए गए हैं कि नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी जो बदल दी गई है। और बस हंसी की बात यही है, और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ना अभी मुझे लोगों के फोन आने लग गए कि सर ये रूल आ गया, अब तो बहुत सारे कॉलेज खुल जाएंगे, आराम से खुल जाएंगे। तो उन्होंने भी बताना चाहता था कि ये सारा रूल सिर्फ एक ही कॉलेज को खोलने के लिए बनाया गया है, जो कि ये नया आ रहा है, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में। स्क्रीन पे देखिए ना, जो आपने थोड़े दिनों पहले दे सुना होगा कि बहुत युद्ध स्तर पे इसका लॉन्च किया गया, तो जब तक ये खुलता है तो देखिए, वो कह रहे हैं कि जो पुराने रेगुलेशन थे उनको चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है कि जो 2 साल पुराना फुली फंक्शनल हॉस्पिटल होना चाहिए था वो अप्लाई नहीं होगा इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। मतलब कि मेडिकल कॉलेज, अगर आपका कॉलेज किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाला तो नहीं होगा, अगर वो खुद यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी होने वाली है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अमृता कोची में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी, राइट। उसके बाद और देखिए, मतलब मैं तो हंस इस बात पे रहा हूँ कि ना एक एक लाइन ये सोच के लिखी गई है कि खाली अमृता फरीदाबाद में कॉलेज स्टार्ट हो जाए 2022 से, और इंडिया में कहीं और ना हो पाए। ऐसा ना हो ना कि रूल थोड़ा रिलैक्स्ड हो और पचास चले लोग और 20-25 प्राइवेट कॉलेजेस आ जाए। तो ये जो 2 साल पुराना अप्लाई नहीं हुआ कि वो भी डीम होना चाहिए, दैट मीन्स ये स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ ये चीज लागू नहीं है। आगे सुनिए, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रनिंग फुली फंक्शनल रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ 1000 बेड्स और मोर एनीवेयर इन इंडिया। तो दूसरे एक जगह आपका 1000 बेड से ज्यादा का ही हॉस्पिटल होना चाहिए, और 1000 बेड क्योंकि अमृता कोची के पास है। बिल्डिंग ऑफ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज ओन्ड बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कई जगह लागू होता ही है। द बिल्डिंग ऑफ प्रपोज मेडिकल कॉलेज हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर पर्पज बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू मेडिकल असेसमेंट। क्योंकि इंडिया में कई जगह एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज, पुराने लॉ कॉलेज जो चल नहीं पा रहे थे ना, तो वो कन्वर्ट हो रहे थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो ये बिल्कुल नई बिल्डिंग होनी चाहिए। और देखिए, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हैज एन एस्टेब्लिश्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 1000 इन पेशेंट बेड्स एंड फुलफिलिंग ऑल अदर नॉर्म्स। तो आप ये सोचिए, चारों के चारों कंडीशन सिर्फ इसके लिए लाए गए हैं। सो इससे बस ये पता चलता है कि अमृता फरीदाबाद में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस साल आने वाला है 200%, और शायद ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, शायद पक्का डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी। सो जो हरियाणा स्टेट प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो उस पर लागू नहीं होगी, दे कैन सेट अप देयर ओन फीस। और हम जैसा जानते हैं कि अमृता कोची की फीस काफी ज्यादा है, वो कोई हरियाणा प्राइवेट कॉलेज की तरह 12 लाख के आसपास की नहीं है। सो चूंकि हम जानते हैं कि हरियाणा की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फी, अमृता कोची की फीस 20 लाख पर ईयर से ऊपर है, तो वही फीस हम इस कॉलेज में अनुमान लगा सकते हैं कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो मिनिमम 20+ पर ईयर होगा, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज होगा। तो आप बस ये मान सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में एमएमयू मुलाना, संतोष गाजियाबाद और जामिया हमदर्द के बाद ये चौथी डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज हो जाएगा इस साल, और काउंसलिंग भी पहले से स्टार्ट हो जाएगी। नया होगा बट फिर भी लोकेशन की वजह से मुझे डाउट है, कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, तो कट ऑफ आप मान के चल सकते जैसे एमएमयू मुलाना वगैरह की जाती है, सो 350+ ही जाएगी, बट पैकेज इसका हाई रहेगा। सो बस नॉर्थ इंडिया वालों के लिए, अगर उन्हें गुड क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि वी हैव हिमालयन देहरादून, वी हैव श्री राम राय देहरादून, एंड वी हैव आदेश कुरुक्षेत्रा, एमएमयू मुलाना, टॉप टायर कॉलेजेस, और उसी की लीग में ये आ जाएगा। तो ये छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए, कुछ खास नहीं है। फीस स्ट्रक्चर जैसा मैंने कहा कि अमृता वाला ही होने की पूरी उम्मीद है। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। और आप अभी भी हमारी अगर पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, कुछ सीटें बची हुई हैं, 9643362320 पे कॉल कीजिए, यू कैन टेक अवर प्रीमियम काउंसलिंग पैकेज। मुझसे बात करने के लिए आपको पहली बार एक मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है, और उसके बाद हम मैं ही आपके सारे काम करता हूँ। और वैसे इस वीडियो में कहने का पर्पज ये था, लेकिन ना 2-3 जगह हमें फीडबैक आ रही थी, तो ठीक है, देखिए मैं उसको अलग ही वीडियो बना देता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, और हैव अ नाइस डे। बाय बाय।